हेलो दोस्तों, तो आप सबको बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं अनकैप्ड इंडियन क्रिकेटर मनवंत कुमार एल के बारे में, जो कि महाराजा ट्रॉफी में तहलका मचा कर रखे हुए, क्रिकेट फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। और ये जिस तरह के प्रदर्शन किए हैं महाराजा ट्रॉफी में, वो देखने लायक है गाइस। गाइस तो आपको बता दूं कि यह KPL 2023 में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किए हैं। जैसे कि KPL में इन्होंने मात्र 12 मैच खेले और 12 मैच में ही 22 विकेट अपने नाम किए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं KPL पूरे सीजन का। और जिसकी वजह से इसका टीम भी फाइनल में जीता है, हुबली टाइगर्स, जो कि मनीष पांडे का टीम है। गाइस तो आपको बता दूं, इकोनॉमी रेट इसके दौरान इसका 7.82 करा, जो कि अपने अपने यह इकोनॉमी रेट बहुत ही अच्छा माना जाता है किसी भी गेंदबाज के लिए, डेड ओवर स्पेशलिस्ट के लिए। और स्ट्राइक रेट भी, बॉलिंग स्ट्राइक रेट देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 9.27 का, यानी कि बॉलिंग स्ट्राइक रेट ऐसा ही, मतलब फर्स्ट या सेकेंड ओवर में विकेट मिल जाता है, बहुत ही जल्दी इसे विकेट मिलता है। गाइस तो आप बात करते हैं मनवंत कुमार के बारे में। गाइस तो आपको बता दूं, मनवंत कुमार का पूरा नाम मनवंत कुमार एल है और इसका जन्म कर्नाटका के हुबली में 11 जनवरी 2004 को हुआ। यह मात्र अभी 19 साल का, यानी कि काफ़ी युवा क्रिकेटर और बहुत ही अच्छे बॉलिंग और गेंद बैट्समैन दोनों है। गाइस आपको बता दूं कि बैटिंग लेफ्ट हैंडेड स्टाइल से यह बैटिंग करते हैं और बॉलिंग स्टाइल जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बॉलिंग स्टाइल भी है और बहुत ही इन स्विंग और आउट स्विंग दोनों करते हैं, यानी कि फर्स्ट ओवर भी करने आते हैं और लास्ट पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हैं और लास्ट स्टेज पर भी बॉलिंग करते हैं। गाइस आपको बता दूं, टीम में एज ऑलराउंडर के रूप में इसे खिलाया जाता है, यानी कि बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हैं। और टीम हुबली टाइगर्स की तरफ से खेलते हैं, जो कि मनीष पांडे का टीम इस बार जीता है KPL 2023 का फाइनल। गाइस आपको बता दूं कि इन्होंने 7 इनिंग में 77 रन बनाए और स्ट्राइक रेट 164 का, यानी कि आप नीचे क्रम में आकर के इस तरह के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बल्लेबाज माना जाता है। और इसी के वजह से क्रिकेट फैंस के बीच काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है मनवंत कुमार, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छे बल्लेबाज और बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, जिसके वजह से चर्चा होने लगी है कि IPL 2024 में खेलते हुए देखे जा सकते हैं। गाइस तो आपको क्या लगता है कि IPL 2024 में खेलते हुए देखे जा सकते हैं, और खेलेंगे तो किस टीम की तरफ से खेलेंगे, ये भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।